सरफ में बैठ के ऐसे एसोसिएशन फॉर्म करके किसी को आप कुछ भी बोल दो, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ये सारा चीज़, इसका मैं जवाब देना उचित नहीं समझता। आलो इज़ नोन फॉर फुटबॉल, यहाँ का यूथ लोग काफ़ी अच्छा फुटबॉल खेलता है, मगर प्रोजेक्ट का डिले होने का कारण से यूथ लोगों का काफ़ी हैम्पर पड़ा है। मैं आज उसका रिव्यू भी लेने वहाँ मैं विजिट भी कर रहा हूँ। जितने भी जो पेंडिंग एग्जाम्स है वो पूरा टाइमली हम लोग कंडक्ट कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये ACC है कौन? सरकार चलाने वाला तो इलेक्टेड मेंबर्स MLAs लोग होता है। अरुणाचल में 60 असेंबली हाउस है। कोई भी MLA मुख्यमंत्री का अगेंस्ट में ये प्रश्न किया कि नहीं किया? MLAs लोग प्रश्न करेंगे तो हम जवाब देंगे, क्योंकि वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट जो है आर्ट्सवाइल काफ़ी बड़ा हुआ करता था, तो बीच में अभी 2-3 डिस्ट्रिक्ट यहाँ से भाग होकर निकल गया, लेकिन तभी भी काफ़ी बड़ा एक जगह है वेस्ट सियांग, और यहाँ में पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली यहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सिविल सेक्रेटरीट भी अच्छा होना है। देखिए, सरकार की ओर से मैंने 10 करोड़ दिया हुआ है, और 10 करोड़ जो है ये मामूली फंड नहीं होता है, तो 10 करोड़ से आप उसको अच्छे से एक मल्टीपर्पज हॉल बनाना चाहिए, ये इंजीनियर्स को भी हमने कहा। धोनी पोलो एयरपोर्ट को देखकर आपने अरुणाचल प्रदेश के इतिहास को एक नई उड़ान दी है, और उसी वक्त दूसरी तरफ राज्य का जो सबसे सम्मानित और सबसे बड़ी संस्था APCS जैसी संस्था में सरकार के नाक के नीचे में नौकरी बेचा जा रहा है, नौकरी खरीदा जा रहा है, जिससे युवाओं के हौसलों के पंख को काटा जा रहा है। सर, जांच तो चल रही है, लेकिन सरकार इस पर क्या कदम उठा रही है ताकि आने वाले दिनों में ऐसा सोचकर भी कोई भी ना कर सके? देखिए, ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मैटर है उसको तो मैं बहुत पहले से ही मीडिया में एड्रेस करके आया हूँ। एक चीज़ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सरकार का उसमें डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। तो जो भी वहाँ पे प्रैक्टिस हुआ है इट्स अनफॉर्चुनेट, मैं हमेशा इस बात को बोलते आया हूँ, और डे वन से ही मैंने कहा कि इसको ओवरऑलिंग करना बहुत ज़रूरी है। एंड चेयरमैन मेंबर्स लगभग सभी ने रिज़ाइन कर दिया है, और अभी कल ही सरकार की ओर से नया चेयरमैन के लिए एडवर्टीजमेंट और नया मेंबर्स के लिए एडवर्टीजमेंट ऑलरेडी निकल चुका है। इवन अभी सरकार ने हम लोग ये भी तय किया है कि जो नीचे में जो क्लैरिकल स्टाफ होता है, पहले क्योंकि ऑटोनोमस बॉडी था उनका अपना कार्य अलग था, तो अभी सरकार के साथ में उसको हम लोग ने मर्ज कर दिया है, तो पूरा ओवर होल्डिंग टॉप टू बॉटम ओवर होल्डिंग करके एक नया सिस्टम बना के देंगे। इसके बाद सरकार की ओर से ये सजेशन भी दिया हुआ है पब्लिक सर्विस कमीशन को कि उनका SOP भी जहाँ जहाँ कमज़ोर है उसको और भी स्ट्रिंजेंट बनाया जाए। तो आई एम वेरी होपफुल, अभी नया टीम आने के बाद जितने भी जो पेंडिंग एग्जाम्स है वो पूरा टाइमली हम लोग कंडक्ट कर पाएंगे। जी सर, लगातार आपके विरोध में, सरकार के विरोध में नारे लगाए जा रहे हैं टीम ACC की तरफ से, आप पर संगीन आरोप भ्रष्टाचार के लगा रहे हैं, आप कैसे डील कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जनता? देखिए, सबसे पहले तो ये ACC है कौन, इसमें पब्लिक मैंडेट है कि नहीं है? अभी देखिए, सरकार चलाने वाला तो इलेक्टेड मेंबर्स MLAs लोग होता है। अरुणाचल में 60 असेंबली हाउस है। कोई भी MLA मुख्यमंत्री का अगेंस्ट में ये प्रश्न किया कि नहीं किया? MLAs लोग प्रश्न करेंगे तो हम जवाब देंगे। सड़क में बैठ के ऐसे एसोसिएशन फॉर्म करके किसी को आप कुछ भी बोल दो, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ये सारा चीज़, इसका मैं जवाब देना उचित नहीं समझता हूँ। तो सर, सबसे पहले आपको आलो में वेस्ट सियांग में वेलकम करता हूँ। तो सर, आज आपको यहाँ में बुरू बस्ती में आके जो एक 1 पॉइंट मेमोरेंडम दिया है, तो आपका स्पीच में भी आपने बताया है सर, उसको आप इसमें भी थोड़ा ब्रीफ बता दीजिएगा। मैं सबसे पहले तो भीरू गांव के जितने भी जो गांववासी हैं, यहाँ के एल्डर्स हैं, यहाँ के गाँव बुरा हैं, सभी को मैं इस 50 ईयर्स की जो जर्नी वो लोगों ने तय किया उसका बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ साथ जो लोगों का जो एक सोच था कि यहाँ पे एक अच्छा प्ले ग्राउंड होना चाहिए, तो मैंने कहा सरकार की ओर से उसको हम देंगे, क्योंकि आजकल हेल्थ जो है वो सब कुछ होता है, जिसे हम लोग कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, अगर हेल्थ है तो सब कुछ है। तो ग्राउंड में, गांव में अपना एक ग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें और सेहत भी अच्छा हो जाएगा, हम ज़रूर हम गांव वालों को मदद करेंगे। सर, वेस्ट सियांग हमारे अरुणाचल के जैसे हमारे MLA लोकल MLA किंतोजी ने सब भी कहा है, एक बहुत पुराना एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है सर, अभी आलो से नया नया हेडक्वार्टर में भी सर जो है मिनी सेक्रेटरी पूरा बन चुका है, तो आपका लीडरशिप में आपका आशीर्वाद से हमारा जिन्हें साहब भी कोशिश कर रहे हैं, तो सर खुद भी कहा है सर पूरा फंड मिनी सेक्रेटरी के लिए कब तक आप दे पाएगा? देखिए, इसमें फेज़ 1 का ऑलरेडी जैसे कहा गया है कि 12 करोड़ जैसे ऑलरेडी रिलीज है,
तो मैं इसको रिव्यू मीटिंग सीएस लेवल में मैं रिव्यू मीटिंग लूँगा, क्योंकि वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट जो है आर्ट्स वाइल काफ़ी बड़ा हुआ करता था, तो बीच में अभी दो तीन डिस्ट्रिक्ट यहाँ से भाग होकर निकल गया, लेकिन तभी भी काफ़ी बड़ा एक जगह है वेस्ट सियांग, और यहाँ में पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली यहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सिविल सेक्रेटरीट भी अच्छा होना है, तो जो बात एमएलए साहब ने जो रखा है ज़रूर उसको हम कंसिडर करेंगे। सर आप पिछले बार जब मुफिन में आया था, मुफिन गिफ्ट दिए थे सभी गालो आलो आलो के वासियों को, सर उसमें मल्टीपर्पज़ जो हॉल का एक प्रपोज दिया गया है, तो सर लेकिन अभी सुनने में आया है उस दिन डीसी साहब को भी ATPWDS के लोग मेमोरेंडम समिट के थ्रू डीसी अब तक पहुंचाने के लिए, उसमें सर मल्टीपर्पज़ हॉल नहीं बना के एक सिर्फ ऑडिटोरियम हॉल का ही एक स्कीम आया है ऐसे सुनने में आ रहा है, तो इसमें सर आपका नहीं, देखिए सरकार की ओर से मैंने 10 करोड़ दिया हुआ है, और 10 करोड़ जो है ये मामूली फंड नहीं होता है, तो 10 करोड़ से आप उसको अच्छे से एक मल्टीपर्पज़ हॉल बनाना चाहिए। ये इंजीनियर्स को भी हमने कहा कि 10 करोड़ का बिल्डिंग ये मामूली लागत नहीं होता है, बहुत काफ़ी बड़ा रकम है 10 करोड़, तो उससे एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा। सर लास्ट आखिरी में सर आलो स्टेडियम सर बहुत सालों से सर बंद पड़ा हुआ है, तो सर ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, इनफैक्ट मैं अभी इस दौरान टूर प्रोग्राम में अभी टाइम निकाल के थोड़ा सा इंस्पेक्शन भी करूंगा, और मैंने ऑलरेडी डिपार्टमेंट को वार्निंग देकर रखा हुआ है कि 24 से पहले हमको आलो का स्टेडियम जो उद्घाटन करना है, किसी वर्ष कॉन्ट्रेक्टर का उसका अपना प्रॉब्लम के कारण से ये काम जो काफ़ी सफर हुआ, जिसमें से अपना आलो में जो यूथ है उन लोगों को काफ़ी परेशानी उठाना पड़ा। आलो इज़ नोन फॉर फुटबॉल, यहाँ का यूथ लोग काफ़ी अच्छा फुटबॉल खेलता है, मगर प्रोजेक्ट का डिले होने का कारण से यूथ लोगों को काफ़ी हैम्पर पड़ा है। मैं आज उसका रिव्यू भी लेने वहाँ मैं विजिट भी कर रहा हूँ।